जहाँ जो नहीं बन रहा है वहाँ वो पूछते जाओ। अपन थे वो फाइनल अकाउंट पढ़ रहे थे। अकाउंट सर मेरा 1.1 से लेकर 3.1 तक आना। 1.1 से 3.1 के 2 1.1 से 3.1 ठीक तक आना। 3.1 ही तो अपन पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में जिसमें 2.13 और 2.14 3.1 में अभी अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज, प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांटेज, बैलेंस शीट के एडवांटेज, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आइटम आते हैं ग्रो और बैलेंस शीट में क्या आइटम आते हैं, ये अपन ने पढ़ लिया। अब इसमें इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आ रहा है वो अपन आगे बढ़ते हैं। अभी मैं डिफरेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिफरेंसेस पढ़ाने हैं मुझे, ठीक है ना। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर करते हैं, फिर उसके बाद अपन आते हैं डिफरेंस। जितने भी डिफरेंस इसमें दिए हैं सारे डिफरेंस पढ़ने हैं अपन को, क्योंकि कोई ना कोई डिफरेंस इसमें से पटकी है। तो वो ये अगला है काइंड्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स कितने प्रकार की होती है? 465 काइंड्स ऑफ एसेट्स, या बोलो टाइप ऑफ एसेट। पहला एसेट कौन सा लिखा है? फ्लोटिंग एसेट। फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है बताओ? फ्लोट करने का मतलब जो एसेट्स अप डाउन बढ़े घटे। एग्जांपल क्या होगा? गुड्स। जो भी बिजनेस का गुड्स है, दुकान में तुम्हारा सामान भरा है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी ना है, लेकिन वो कैसी प्रॉपर्टी है जो बढ़ती बढ़ती भाई, सामान बिकेगा तो घटेगी, जब खरीद लाओगे फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर घट जाएगी, तो फ्लोट होती रहती है अप एंड डाउन। द एसेट्स वी रेगुलरली इंक्रीज एंड और डिक्रीज इज नोन एज फ्लोट, या तो द एसेट्स विल बी अप एंड डाउन गुड्स की वैल्यू बढ़ना या घटना, एसेट्स की वैल्यू घटना बढ़ना नहीं करना है। एसेट्स का बढ़ना और घटना वो है फ्लोटिंग। अगला क्या है? नॉन करेंट या फिक्स एसेट्स। कोई ना आएगा पता सारा। अगला क्या है? फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? नॉन करेंट। नॉन करेंट बोलो या फिक्स बोलो एक ही बात है। नॉन करेंट कहो या फिक्स्ड कहो, फिक्स एसेट्स में क्या आ जाता है? में क्या आ गया? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, वो एसेट्स जो फिक्स बढ़ेगी ना घटेगी, ना घटेगी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे फिक्स एसेट्स। अगला क्या दिखा? लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स क्या होती है? लिक्विड माने जो घटती बढ़ती रहती है। अरे नहीं, वो तो फ्लोटिंग में आ गया। जो आती जाती रहेगी। अरे वो एक है ना होगा, वो एसेट्स जिसको हम कभी भी किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते। अच्छा, ये कैश है। इट इज इजी टू कन्वर्ट टू एनी अदर एसेट, एनी अदर एसेट। जैसे गुड्स को जो तुम्हारी दुकान में सामान है उसको फर्नीचर में बदल सकते हो क्या? नहीं, कैश में। उसको कैश में बदल सकते, कैश में बदल, दिखेगी तो कैश में बदल जाएगी। फर्नीचर को कैश में, कैश में, लेकिन फर्नीचर को टेबल में नहीं बदल सकते, टेबल को कुर्सी में नहीं बदल सकते, लेकिन कैश सब में बदल जाएगा। लेकिन कैश सब में बदल जाएगा को हम किसी में भी बदल सकते, क्योंकि कैश से हम कुछ भी खरीद लेंगे वो कैश उसमें बदल जाएगा, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। एग्जांपल क्या है? कैश और बैंक। जो आसान एग्जांपल है वही लिख रहा हूँ, बाकी है तो बहुत सारे। इन्वेस्टमेंट। वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स
बोले तो पैसा वेस्ट। अब बताओ ये वो एसेट्स है जिसको जितना यूज करते जाओ उतनी खत्म होती जाएगी। जैसे कि कोयले की खदान, कोल माइन। कोयला कितना निकालो तो उसका पता खत्म होता है तो प्रॉपर्टी ना पूरा खत्म नहीं हुआ। हाँ। जितना यूज करते जाओगे उतना खत्म हो जाएगा। तो इसमें ज्यादातर आता है माइन। तो वो एसेट्स थोड़ी ठीक है ना। इसमें आता है माइंस एंड क्वेरीज ठीक है ना। टेंजिबल हो गया। अब इसमें एक अगला आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल जिसको छू सकते हैं देख सकते हैं जिसे हम छू सकें। उसमें एग्जांपल यही आ जाएगा दैट इज व्हिच कैन बी सी एंड टच इज कॉल्ड टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको नहीं देख सकते नहीं छू सकते ट्रेडमार्क पढ़ाया था उस समय जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको ये वाला बताया था ये बताया था ये बताया था ये बताया था। उसमें इतने एग्जांपल थे। अगला क्या है लाइव स्टॉक। ये क्या है लाइव स्टॉक ये पढ़ाया ये मेरे को पता था। जैसे जानवर को कहे ना हाँ। उनके द्वारा हम लोग पैसा कमाते हैं ना वो जानवर तुम्हारी संपत्ति मुर्गी जो मुर्गी का बिजनेस करता है उसके लिए मुर्गी उसकी जो गाय का बिजनेस करता है दूध का डेयरी का काम करता है गाय उसकी क्या है अच्छा। और वो कौन सी एसेट्स है लाइव स्टॉक जिंदा जिंदा संपत्ति जिंदा ठीक है ना। और क्या है देखो फिक्शियस एसेट्स ये वो एसेट्स है जो एक्चुअल में एसेट्स है नहीं है। पर एसेट्स मानी गई जैसे कि मान लो तुमने बिजनेस चालू करने के लिए 100,000,000 रुपये किसी बिजनेस में लगाया लगाया ठीक है तो 1,00,000,000 तुम्हारा हो गया खर्चा लेकिन वो पूरे 1,00,000,000 को तुम खर्चा नहीं मानते उसको एसेट की तरह रखोगे और हर साल उसमें से 10,00,000 रुपए या 15,00,000 रुपए खर्चे में ट्रांसफर करते जाओगे वो कहलाती है फिक्शियस एसेट। एग्जांपल मैंने एक बार इसमें दिया था तुमको गोलमाल पिक्चर का। गोलमाल पिक्चर में लास्ट सीन याद करो जब वो गूंगे को ये बोलता है अजय देवगन कि इसको अगली पिक्चर से ना रखें क्योंकि इसका कोई डायलॉग वायलॉग तो है आया हुआ करके पैसा नहीं पड़ा तब वो बोलता है कि मेरे को काहे निकाल दोगे मैं 3 पिक्चर का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे को 3 पिक्चर का पैसा मिला है तो अब ये सोचना जो प्रोड्यूसर है उसने उसको 3 पिक्चर का मान लो 3,00,000,000 रुपए दे दिया 3,00,000,000 ठीक है तो पहली पिक्चर का जब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनेगा तो उसमें वो कितना खर्चा दिखाएगा 3,00,000,000 की 1,00,000,000 तो बाकी का 2,00,000,000 कहाँ दिखाएगा अगले फिल्म में 1,00,000,000 फिर अगले तो अभी तो मेरा 3,00,000,000 चला गया ना वो तो फिर करेगा ही ना तो बचा हुआ 2,00,000,000 मैं दिखाऊंगा फिक्स से सेट जो फिक्स है लेकिन अब धीरे-धीरे टाइम लेते हैं धीरे-धीरे डाउन हो जाएगा पर अभी डाउन नहीं हो रही अभी वो मेरी मान लो वो आदमी मर गया तो हाँ फिर तो बाकी 3,00,000,000 मिलेगा ना वापस कैसे मिलेगा कहाँ मिलेगा ना मिलेगा अरे अगर वही मर गया तुमको तो पिक्चर कौन करेगा तो पैसा तो दे चुका है ना पैसा तुमने दिया अगले 3 पिक्चर का अभी उसने 1 पिक्चर की तो बाकी 2 पिक्चर का पैसा उसने 2 पिक्चर की तीसरी पिक्चर में मान लो तीसरी पिक्चर पहले निपट गया 2,00,000,000 बस उसको दिया ना 1,00,000,000 तुम्हारे पास ही है नहीं एडवांस दे दिया एडवांस दे दिया पागल पैसा दे दिए हैं फिर वो मर गया पैसा देने के बाद उसके बैंक में जब तुम किसी को पैसे उधार देते हो वो नहीं देता तो किससे लेते हो किससे लेते हैं
नहीं पर उसी को जो डांटूं भाई अरे वो नहीं दे वो भाई जी नहीं है वो नहीं देता उसके घर वाले फंस जाएंगे उसका जो उत्तराधिकारी है जब उसका उत्तराधिकारी या उसका लड़का उसकी एसेट्स का मालिक है तो वो उसकी लायबिलिटी का भी मालिक है। इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इसमें और एग्जांपल है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो खर्चे जो लंबे समय के लिए हमने कर दिए लेकिन उनका असर अगले लंबे समय तक रहेगा, साल दो साल पांच साल। ऐसा कोई काम तुमने कर दिया, ऐसी जगह खर्चा कर दिया जिसका असर अगले पांच साल रहना है। जैसे जेल मान लो खर्चा का पैसे ही बात चल रही है, मनी के फॉर्म में आओ ना। मान वही वाला एग्जांपल ले लो, फिर वही पिक्चर। मान अमिताभ बच्चन तुम्हारा एक प्रोडक्ट है। हाँ, तो मान लो तुम्हारे पास अमिताभ बच्चन है, उसका तुमने उसका एड तुमने डिसाइड किया, उसको तुमने अगले पांच साल के लिए खरीद लिया कि पांच साल तक वो मेरा एड करेगा। तो वो जो पांच साल का पांच करोड़ रुपया दिए हो, वो पांच करोड़ क्या एक साल पहले साल का खर्चा है? नहीं, पहले साल का एक करोड़। तो बाकी बचा चार करोड़ क्या कहलाएगा? अगले साल बचा कितने? तीन करोड़। तीन करोड़ घटता हुआ कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ बैठ के भाई थोड़ा। और लायबिलिटी का टाइप बताओ। चलो आगे आ जाते हैं। टाइप ऑफ लायबिलिटी लोन। लोन नहीं, लोन तो एक आइटम हो गया। पहला लायबिलिटी का टाइप क्या लिखा है? नॉन करंट लायबिलिटी। देखो लिखा होगा नॉन करंट लायबिलिटी या फिक्स्ड लायबिलिटी। हाँ सर, नॉन करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी। जो हमारी अभी नहीं है, ये बात में है। देखो नॉन करंट का मतलब है More than money। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले बताओ? जिम्मेदारी। वो जिम्मेदारी जो हमको देनी है। हाँ। ऐसी जिम्मेदारियां जिनका भुगतान, जिनका पेमेंट हमको एक साल के बाद करना है, या एक साल से ज्यादा का टाइम हमारे पास है आराम से करेंगे। हाँ। ऐसा कौन सा होगा? एग्जांपल होगा बैंक का लोन। हाँ, बैंक लोन एक साल से। हमने फैक्ट्री के लिए लोन ले लिया 20 करोड़। 20 करोड़ तो 20 करोड़ एक साल में भर चुका होगा। हाँ, नहीं चुका होगा तो बात तो सही। अगले 10 साल में, 15 साल में चुका होगा, 20 साल में चुका होगा। तो वो क्या कहलाएगा? बैंक लोन। अरे हाँ, नॉन करेंट। नॉन करेंट याद रखने का सिंपल तरीका था, लायबिलिटी विच वी पे मोर देन मनी, मोर देन मनी। अब दूसरा इसमें करंट लायबिलिटी, सर ज्यादा पे कर तो हो जाएगा नॉन करंट। नॉन करंट और करंट में हो जाएगा एक साल के अंदर। एक साल के अंदर तुम भागी तो है ना सर? जैसे स्कूल की फीस। स्कूल की फीस हमको देनी है तो देनी, साल भर के अंदर देनी होती है ना। देते भले कुछ लोग हैं 2 साल में वो, लेकिन देनी तो एक साल में ही है ना। हॉल टिकट के पहले देनी, हॉल टिकट के पहले देनी। तो वो क्या कहलाएगी? वो देखो खुशियां होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। ऐसे बिजनेस में जिससे तुम दुकान उधार माल खरीद के लाए हो, उसको पैसा 5 साल में दोगे? करेक्ट। तो वो कौन सी जिम्मेदारी कहलाएगी? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी लेस देन वन ईयर। एक साल के पहले पहले हमको पूरे हिसाब क्लियर करने। अक्सर क्या होता है व्यापारियों के यहाँ, व्यापारी ज्यादातर दिवाली के पहले फोन लगाएगा। दिवाली के बाद इसका धंधा वो वाला नहीं बोल रहा, जिनको उधार दिया है उसने, इनसे पैसा तक आधा करना है, जिनसे तक आधा करना है। और या तो लगाएगा मार्च के पहले। हाँ, जब लगन का टाइम होता है। लगन का टाइम नहीं, मार्च में होती है क्लोजिंग। लगन के टाइम क्या लगा? मार्च में होता है क्लोजिंग। मार्च में हमको हिसाब गवर्नमेंट को देना है। 31 मार्च बिजनेस का क्या होता है? लास्ट डेट। लास्ट डेट। हम जिसको उधार दिए होते हैं ना, हम कोशिश करते हैं हम सबसे हमारी उधारी वसूल लो,
होती नहीं है, होती नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ सबसे मिल जाएगा, लेकिन अगर 100 ग्राहक है तो सबको बात करोगे तो 70-80 लोग पैसा पचास मान लो, पर ज्यादातर लोग क्या करेंगे पेमेंट कर देंगे, क्योंकि उनको ही मालूम है कि अगर इस जिम्मेदारी को मैं अगले साल ले गया तो डबल होगी, बढ़ जाएगी। और ये है तो करंट लायबिलिटी, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगी नॉन करंट में। और इसका बड़ा खतरनाक असर होता है, ये जिम्मेदारियां आपके पास जितनी ज्यादा होंगी आपकी गुडविल उतनी घट जाएगी। जितना ज्यादा कर्जा, जितना ज्यादा लंबा कर्जा आपके ऊपर है आपकी उतनी गुडविल घट जाएगी। कर्जे में इंसान डूब जाए यार, ये कर्जे पे इसको काट उधार दे दे। घर वाले अलग बात समझ नहीं, और ये वाली जिम्मेदारी जितनी छोटी है चलेगा, क्योंकि सबको मालूम है चुका देता है आप दे, जैसे तुमने बोला 2 दिन में चुका देंगे, तो जब तुम 2 दिन में उधार चुका रहे होगे तो जब दोबारा उधार मांगने जाओगे तो वो क्या बोलेगा, ले जाना भाई, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 दिन के अंदर पैसा दे देगा। लेकिन अगर तुम किसी से लंबा उधार मांगो तब क्या बोलेगा वो, एक महीने का लटका दो नहीं यार कर जाओ अभी, पैसा ही नहीं है। ये क्या है, इसी का सारा है। अब ये आम भाषा में वर्ड ये यूज होता है लगभग, लेकिन कॉमर्स की भाषा में तो यही वर्ड यूज होगा ना, ठीक है ना। और कौन सी लायबिलिटी है, और कंटिंजेंट लायबिलिटी, इसका ज्यादा यूज है सर? नहीं नहीं है। अगर तुम लोग स्कूल कब से होते हैं, स्कूल भाई क्या बता दे, इसको पेपर से ओपन हो गए। कंटिंजेंट का मतलब होता है, अरे ना अभी 10वीं भाई का ठीक है, इसका 10वीं बोर्ड है ना सब, मैं तो 11वीं हूँ, 11वीं लगती है, 10वीं 12वीं लगती है, 10वीं 12वीं लग रही है, बाकी को उन्होंने छुट्टी कर दिया। 10वीं 12वीं को भी वो ऐसी जगह लगा रहे हैं जहाँ पे वो जो बॉक्सेस रखे हैं वहाँ जिनको जाना ना, मुश्किल से तो 9-10 कमरे मिले हैं, बहुत मुश्किल से तब उनकी लग रही है वहाँ सब बुक, पूरे रूम में अलग अलग रूम में भरी है ना अलग अलग जगह की। उसके बाद भी नहीं खुलने वाले मैं, क्यों, क्योंकि उन्हीं मशीनों को दोबारा चेंज किया जाएगा लोकसभा के लिए। हाँ वही तो, लोकसभा भी तो कंटिंजेंट क्या है देखो, इमरजेंसी लायबिलिटी है, ऐसी जिम्मेदारी जो रेगुलर नहीं रहती, सही ना, पैसा लगता नहीं है जान लो, ऐसी जिम्मेदारियां जो रेगुलर नहीं है, इमरजेंसी लायबिलिटी, अचानक आके खड़ी हो गई, जैसे कि रिश्तेदार आ गया बोला कि इतना पैसे दीजिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अचानक तो भीड़ आ गई बहुत सारे सामान की, अभी मशीन खराब हो गई, नई मशीन तुरंत लगानी, ये वो लायबिलिटी नहीं है जो लंबे समय तक चलेगी, न ये वो है कि साल भर तक चलनी है, ये आ गई खड़ी हो गई, अब इसको निपटा, अब इसको तुरंत निपटाना है, तो यदि आपने नहीं निपटाया तो ये आपको प्रॉब्लम जनरेट करेगा, जैसे कि होती है कंटिंजेंट, जैसे कि उसकी फैक्ट्री हो गई, काहे कि उसकी टोस काहे की है, आराम का मशीन बंद हो गई, बताओ सब प्रोडक्ट रखा है तो हो गया, तो माल बना धरा है, अब उसका एक पार्ट खराब हो गया, वो 2 लाख का है, हां पूरा मिलेगा तो क्या करोगे, हाथों हाथ आदमी भेजोगे, पैसा देंगे भैया जा लेके आ और लेके आ, नहीं कहनी पड़ जाएगी, नहीं तो अगर 2 दिन मशीन बंद रहे तो कहानी बन जाएगी, तुम्हारा खराब हो जाए जो होता है, तो बेटर है कि भैया ये लायबिलिटी तुरंत आई है, तुरंत निपटा, तुरंत ठीक। तो ये हो गई लायबिलिटी, एसेट्स कौन कौन सी होती है, और ये हो गई लायबिलिटीज कौन कौन सी होती है, हाँ सर हो गए ठीक है। अब अपन चलते हैं वापस, इसमें एक है एडवांटेज ऑफ बैलेंस, फिर अपन डिफरेंस में आएंगे। भाई ये सोफा यार बड़ा अच्छा लग रहा, और वो है दिमाग सारा चलने लगा इसमें बैठ के, वहाँ कुछ नहीं करूँगा। बैलेंस शीट के क्या फायदे हैं,
बैलेंस शीट का सर, बैलेंस शीट बनाने के फायदे, फायदे देखो पहला लिखा है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ सही बात है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब व्यापार कैसा चल रहा है, आपको एसेट्स का पता चल जाएगा, आपको लायबिलिटी का पता चल जाएगा भैया मेरे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं और कितनी एसेट्स। फ्यूचर प्लान बना सकते हो, फ्यूचर प्लान जैसे कि मैं आपको मालूम है आपके पास क्या 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 एसेट्स है, तो आप उसके हिसाब से आगे का प्लान कर सकते हो ना कि मैं आगे क्या काम करूं, कैसे बढ़ाऊं। जैसे एक एग्जांपल ले लो, तुम्हारा जो वहां वाला स्कूल स्कॉलरशिप का ये वाला ना, ये वो वाला नया वाला, नया वाला ठीक है। अब वो इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि अगर वो सोचे कि यार यहीं पे एक तो कॉलेज ना खोल दें, खोलें बराबर ऊपर नर्सिंग खुला ना, कैसे सोचा हमें, बहुत बड़ी जगह है अभी उनको उसको और बड़ा करना हो तो दिमाग लगा सकते हैं, काम करो यार सुबह स्कूल लगा दो, बना सकते हो मेरे पास जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का मैं ज्यादा से ज्यादा यूज कैसे उसका उसको कैसे यूज कर रहे हैं, दूसरा जो फर्नीचर लगा हुआ फर्नीचर भी उसमें आ जा रहा है, क्योंकि ये क्लास खाली हुई उसी क्लास में दूसरे बच्चे बैठे, तो ये हम बड़ी जगह खाली रहती है, वही चीज तो बोल रहा हूँ, वो आगे और कोर्सेज वहाँ खोल सकते, ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप देखोगे यार मेरे पास कितनी एसेट्स हैं, जिसको मैं और यूज जैसे उसके पापा हैं, मान लो उसके पापा को खारा मीठा बना रहे हैं, अब उनको पता है खारा मीठा मेरा 8 घंटे में बन के तैयार हो जाता है, फिर मशीन बंद रहती है, मैं काम करूँ या कोई और प्रोडक्ट बनाने लगे जो उसमें बन सकता है, मेरे से मैं यहाँ पढ़ाता हूँ ठीक, तो मैं 3 घंटे पढ़ा रहा हूँ ना ठीक, सुबह से लेकर अभी तक बंद है, बोर्ड तो खाली पड़ा है ना, तो मैं सोचती हूँ यार ऐसा ना करूँ यार कि मेरा कोई फ्रेंड हो वो पढ़ा दे, उसके बाद जगह नहीं है मैं जगह दे देता हूँ, जितना पढ़ाएगा जितना फीस आएगी 20% मेरे को दे दी, ज्यादा ना दे 20% दे, तो ये क्या है जो हमारे पास जगह है जो हमारे पास साधन है उसका हम कैसे ज्यादा से ज्यादा यूज कर, और क्या एडवांटेज लिखे हैं देखो, कैपिटल का पता चल जाएगा हमारे पास पूंजी कितनी है, क्योंकि सारा बिजनेस किसका होता है पूंजी, पूंजी होता है कि नहीं, अगर जिसके व्यापार में जितनी ज्यादा पूंजी लगी होगी वो उतना ज्यादा व्यापार को फैला सकता है, भाई सही मौके पे सही सामान खरीद लोगे सही मौके पे उससे प्रॉफिट कमा सकता है, मुझे लाइट का बिजनेस करना है, मेरी दुकान है अब दिवाली आ रही है, अब मुझे झाला सोच रहा हूँ यहाँ झाला ले आऊँ दिल्ली से, पैसे नहीं तो बाकी दुकानदार बेच रहे होंगे अब मैं बैठा रहूँगा, सीधी बात है ना, पर जैसा अभी ये टाइम है दिसंबर जनवरी इस 2 महीने में अगर मेरे पास पैसा हो और मैं ऐड कर दूँ कि 2 महीने में और 80-80 नंबर पाओ, 2 महीने आओ 80-80 पाओ, फिर कंप्लीट छपा के बांट बटवा दिया भड़बड़ा के भीड़ आ गई, और 2 महीने की मैंने ले लिए 2000 रुपये कि मैं एकदम वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाला है, अब लड़का को मालूम है क्या वही आने वाला है, और मुझे मालूम है क्या अगर मैं 10 साल के पेपर पढ़ा दूंगा तो वही फंस जाना, 10 साल में पेपर अगर पढ़ाए तो किसी भी हाल में 80% फंस जाए, वही रिपीट होता है, तो उससे क्या होगा मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर सकता, ये होता है कब जब आपके पास पूंजी होता, क्यों अब मैं ऐड तो कर दूं, ऐड करने के लिए तो पैसा है मेरे पास, लेकिन जब भीड़ आ जाएगी तो बैठाऊंगा कहां, मेन मुद्दा
देखो वो भी तो व्यवस्था करनी है। अब मान लो मैंने वो व्यवस्था कर ली और बच्चा ना आया, तब तो हो गया, तो हो गया ये, तब तो लग गए 12 के भाव क्योंकि मैंने जगह भी बुक कर ली, जगह बुक कर ली, तो मैंने का किराया भी दे दिया यार, पहले भाई चाहिए मेरे पैसा बराबर। अब अच्छा भी है जनाब, वो उठा तो व्यापार में ये रिस्क बना रहता है। तो हम किसके आधार पर डिसीजन लेते हैं, हमारी इन चीजों को देख कर। फिर अगला क्या है, बच्चे उसमें एडवर्टाइजमेंट में जल्दी नहीं आते, जो जानते हैं कि इसके यहाँ सालों से चल रहा है। एडवर्टाइजमेंट में भी आते हैं, 10 साल आते हैं, आते हैं काफी आते हैं, देखने सुनने आ जाते हैं। क्रेडिट है ये साइलेंसर क्यों कैसे जाते हैं, नाम चलता है, तो नाम चलता है साइलेंसर का ना कि एडवर्टाइजमेंट का। क्रेडिट उधारी का पता चलता है कि मैं इसको उधार दूं या ना दूं। जैसे मैं क्या, मैंने भी यहां एग्जांपल क्या दिया था, ये बैलेंस शीट है तो आइटम में दोनों एसेट्स और लायबिलिटी, कि अगर आपका ये बढ़ा होगा तो तुमको लोग कर्जा देंगे, अगर तुम्हारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ज्यादा है तो तुमको लोग कर्ज देंगे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि पहले से इतना कर्जे में लगा देगा और जो देगा उनको चुका नहीं पा रहा, मेरा भी डूबेगा। लेकिन कब देंगे, जब उनको आपको मालूम है आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, यानी ये जितना जल्दी जल्दी उधार लेता है उतना जल्दी जल्दी रिवर्स दे भी देता है। ऐसा तुमने एग्जांपल क्या दिया था, बड़े आसानी से लोग उधार दे देते, उनको मालूम है कि हम दो दिन में पैसा वापस कर देंगे। लेकिन अगर अगर पहली बार लटका दें एक महीना तो अगली बार उधार मांगने जाएंगे तो देने वाले नहीं है, ये वो कुछ ना कुछ शर्त रखवा लेंगे, सोचेगा कई बार, कई बार सोचेगा। ये होती है बैलेंस शीट के कुछ एडवांटेज, बैलेंस शीट बनाने के फायदे। अब आ जाओ पीछे, अब अपन चलते हैं इसमें है कि डिफरेंसेस कौन कौन से थे, इसको फोटो खींच लो और मैं भी अंडरलाइन करवाता हूँ तुम लोगों को डिफरेंसेस, यस सर, इसकी फोटो खींच लो ताकि एक बार में सारी चीजें सामने रहे। देखो न्यूमेरिकल से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, हाँ ये कर सकते हो कि हम पूरा ना पढ़ के एक लिमिट में पढ़े, क्योंकि अगर आपने कॉमर्स लिया है और आपसे न्यूमेरिकल ही नहीं आ रहा, क्या मतलब, तो फिर क्या, जैसे कोई मैथ नहीं ले बोले आपको सब थ्योरी थ्योरी पढ़ा दो, मैथ लगाते नहीं आते तो पॉसिबल है, अगर इतना ही थ्योरी पढ़ना था तो फिर बीए लेते, और जबकि क्या है मैथ्स वाले तो तीन न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, हाँ अपन को तो एक ही पढ़ना है और उसको भी अगर हम सीरियस ना लें, और 11th को सीरियस लेने से जरूरी है कि अगर बेस क्लियर ना हुआ तो आगे प्रॉब्लम। चलो पहला डिफरेंस में अंडरलाइन करो बुक में, क्योंकि आपके जो बेसिस दिए हैं उसमें वो नहीं दिया, बेसिस जो इंटर डिफरेंस दिए हैं उसमें बेस नहीं लिखा कि किस आधार पे डिफरेंस बनाएंगे, पहला रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहला है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, पेज नंबर 447 अब जो उसके डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन करना। पहला डिफरेंस जो उसमें देखो लिखे ना, सीधे पॉइंट लिखे ना, अब ये पॉइंट याद करना बड़ा कठिन है क्योंकि पूरा पूरा याद करना पड़ेगा, तो इसमें पहले अंडरलाइन करो बेनिफिट, कर लिया इन वन ईयर इन, इतना छोटे छोटे लिखेंगे तो वो बता रहा हूँ, रुक जाना, ये याद आ करना है। अच्छा इन वन ईयर जब रिवेन्यू पे जब खर्चा करते हैं तो उसका प्रॉफिट एक साल के अंदर मिलता है,
और जो कैपिटल का खर्चा करते हैं उसका प्रॉफिट एक साल से ज्यादा मिलता है, बार बार मिलता है। अब इसको लिखो कैसे, द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी कैन गेट विद इन वन ईयर। क्या वर्ड बनाया, द बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी गेट मोर देन सॉरी ओनली विद इन या अंडर वन ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक साल में मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, बेनिफिट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी गेट इन वन ईयर। लाइन बन गई, दो लाइन की कितनी बन गई, और इसमें क्या लिखा, द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर वी गेट मोर देन वन ईयर। यानी अगर हम ऐसी जगह पैसे लगाएं जहां कैपिटल है तो उसका फायदा आपको कई सालों तक मिलता रहे। एग्जाम्पल देता हूँ, तुम अगर 1,00,000 रुपये का सामान ले आकर दुकान में रखो तो उसको बेच करके फायदा कितने दिन मिल जाएगा, एक साल के अंदर मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, मिल जाएगा एक साल, मिल जाएगा। लेकिन अगर 1,00,000 रुपये का तुम फर्नीचर ला कर दुकान में लगा दो, हाँ तो वो चलेगा ना एक साल से, वो तो फिर 10 साल चलेगा। उस फर्नीचर का फायदा तुमको क्यों ना होगा नहीं है, बिना काउंटर के तुम धंधा कर रहे हो, तो जब काउंटर लग जाएगा तो उस काउंटर का फायदा तुमको मिलेगा। कैसे भाई, तुम्हारे मान लो तुम कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हो, काउंटर नहीं तो सारा सामान कहाँ लगा हुआ है, अलमारी। तो जब दुकान, जब कस्टमर आता है तो तुम क्या करते हो, निकालते हो पैसे दिखाते हो, जैसे कि काउंटर तो है नहीं मार्केट में, या मान लो लकड़ी का काउंटर उसमें रख के देते हो, उसकी जगह तुमने नया काउंटर लगा दिया जिसमें कांच लगा है, आधा से ज्यादा सामान वहां घुसा हुआ है। तो दुकानदार, ग्राहक जब काउंटर पे आके खड़ा हो रहा है तो लेने आया लिपस्टिक है और लेके जाएगा लिपस्टिक के साथ पाउडर भी, सामने दिख गया, या नेल पॉलिश भी, क्यों सामने दिख गया, याद आ गया ये भी लेना था। इसीलिए देखो ज्यादा शोरूम्स में या ज्यादा दुकानदार कांच वाला काउंटर क्यों रखते हैं, ताकि चीजें दिखेंगी तो याद आएंगी, और याद आएंगी तो वो लोग लेने, हाँ जो दिखेगा वो बिकेगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा खर्चा है जो हम ऐसा कर रहे हैं कि लंबे समय तक फायदा देता रहे, और कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू ऐसा है जो एक साल में फुर्सत, जैसे अभी राखी का सीजन आया, एक साथ राखी खरीद के ले आए, साल भर में बेच के पैसा खाली करो, सीजन में बेच के, हफ्ता भर में, क्योंकि अगर ना बेच पाए तो फिर वो लटक गई अगले साल के लिए, और उसको भी अगर संभाल के ना रखे तो चमक उड़ गई, हाँ चमक उड़ गई तो कोई लेने वाला खरीदार ही नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। दूसरा इसमें अंडरलाइन करो, इट डज नॉट लीड टू एक्वायर द ऑफ एसेट्स और नॉट वैल्यू टू इंक्रीज एसेट ऑन एसेट। लिखा एसेट, हाँ ठीक। क्या बनेगा, The revenue expenditure cannot use for asset. Revenue को हम assets के लिए use नहीं करते, नहीं करते। और capital expenditure is used for asset. क्या word बोला मैंने? Revenue से हम property नहीं खरीदते, asset नहीं खरीदते, लेकिन capital वाले खर्चे से हम property खरीदते। भाई furniture क्या है तुम्हारी? प्रॉपर्टी है ना। चलो तुम बढ़िया बिजनेस तुम्हारा चलने लगा, तुम किराए का गोदाम से काम चला रहे थे, तो वो कौन सा खर्चा था? रेवेन्यू वाला। तुमने अपना गोदाम खरीद लिया, वो गोदाम तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, और उसका फायदा तुम एक साथ से ज्यादा उठाओगे कि नहीं उठाओगे? तुम रेवेन्यू से प्रॉपर्टी नहीं खरीदते और कैपिटल से हम प्रॉपर्टी खरीद, या इसको लिख लो, हाँ ये लिख सकते हो, अब याद हो जाएगा। हम एसेट परचेज नहीं करते और एसेट परचेज करते हैं। तीसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है,
हेल्प, ये किसमें हेल्प करता है? बिजनेस बराबर चलता रहे, और ये हेल्प करता है इंप्रूव बिजनेस। जैसे मैंने बोला ना, सामान लाके भर दिए, तो बराबर अगर सामान दुकान में भरे रहोगे तो दुकानक बराबर आएगा, उसको माल बराबर मिलेगा। लेकिन अगर काउंटर लगा दोगे तो बिक्री बढ़ जाए, दुकान में थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था बढ़िया बना दोगे तो और बढ़ जाएगी। अभी होता है जैसे गौरी वाला है, देखो गौरी जेवर वाला है, सम्राट वाला, हम क्या बुझ जाओ तो अगर भीड़ भी होगी तो तुम बैठे रहोगे, आगे भी लोग एक्स्ट्रा जगह बना के रखते हैं, पीछे बैठ जाओ, फिर उनको कहने के बाद तुमको दिखा देंगे, दिखा देंगे। लेकिन उसी के लिए किसी छोटे दुकानदार के यहाँ चले जाओ जहाँ भीड़, उसके भी भीड़ है, लेकिन बैठने की जगह नहीं है ना, छोटी छोटी चीजें कितना फर्क डाल दे। अरे तुम वहाँ चले जाओ, सुमित बाजार, सोफा लगाए हैं वो, क्यों लगाए सोफा? उनको मालूम है कि पति अपनी पत्नी को लेके आया है, तो पसंद पत्नी को करना, पत्नी को भी एक घंटा लगेगा तो पति किसी आएगा, बैठा रहेगा तो बढ़िया, उसको आरामदायक सोफा दे दो, सामने टीवी लगा दो, बैठे टीवी देखता है, और मैच लगा दो, तो उनको 3 घंटा बैठा रहेगा, और 3 घंटे में पत्नी उसकी जेब निपटा देगी और हमारी जेब भर देगी, समझो बात, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग काम करता है, बिजनेस मार्केटिंग। जैसे विशाल मेरा काउंटर पे ही रखा और ऊपर जा रहे थे जहाँ बिलिंग काउंटर सब ऐसे रख दिए, सस्ते खाने आ जाएगा ले जाओ। तो ये क्या है, ये स्ट्रेटजी है जो कि ये बताती है कि व्यापार कैसे किया जाए, कैसे बढ़ेगा। और देखो क्या है इसमें, नेचर, ये रेगुलर है, यानी ये खर्चा रोज रोज करना पड़ेगा, रेगुलर सामान ना खरीदना पड़ेगा, और फर्नीचर रोज खरीदोगे बताओ? नहीं, एक बार, ये रेगुलर है, कुछ टाइम के लिए हो जाता, फिक्स करते हैं 10 साल 15 साल, है ना, रोज रोज ये खर्चा करने की जरूरत नहीं, नहीं पड़ती, हम रोज काउंटर थोड़ी खरीद के लाएंगे, लेकिन माल रोज भरेंगे, माल रोज भरेंगे, रोज भरेंगे, माल रोज भरेंगे। अगला है इनकम, शो लिख लेना, उसमें नहीं लिखा है, अगले पॉइंट में नेचर के बाद वाले में लिख लेना शो, ये एपियर में लिख लो, चलो इसकी जगह पांचवे पॉइंट में एपियर, एपियर वर्ड एक्चुअली याद नहीं रहेगा, हाँ सर नहीं रहेगा, तो शो वर्ड याद रहेगा, इसको कहाँ शो करते हैं और इसको कहाँ शो करते हैं भाई? काउंटर फिक्स एसेट्स है ना, कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट के एसेट्स में। लेकिन जो सामान खरीद रहे हो उसको कहाँ दिखाओगे? परचेज है, कहाँ दिखाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसको हम कहाँ दिखाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब लास्ट क्या है? रेवेन्यू, बस इतना पर्याप्त, ये वाला थोड़ा सा याद नहीं हुआ, हाँ तो ठीक है ना, तो 5 हो, 5 पर्याप्त है, ये आप याद कर लेना, इसकी भी फोटो खींचे ग्रुप में डाल दो, उन देवियों को कम से कम कुछ दिखे कि हम गोल मारे हैं, तो कुछ हम ऐसा नहीं कि हम ना जाएंगे तो पढ़ाया ना जाएगा, पेपर खत्म हो ना उसी खुशी में, चाउमीन खाने, फुल्की, चाट, पत्ता तो है तब तो आ सकते, उतने बार उनको चाहिए फुल्की और चाट। अब एक हफ्ते का कोटा निपटा के